अब जिन बंदों ने मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबा रखा तो प्लीज भैया बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आप तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। और नए व्यूवर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दे, उनके पास भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचेगी। क्या बोलते थे तुम यूट्यूबर्स, हम टिकटॉकर्स को? आज तो बहुत फॉर्म में लग रहा है, टोफू पनीर के टुकड़े। सालो टिकटॉकर्स के कंटेंट को बाबली कांड कहते थे, अब सालो यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स लाकर तुम्हारे ही मुंह पे मुंह दिया। तेरी बहन को नमन, तुम्हारी सजा है जिंदा रहो और इंजीनियर बनो। कंटेंट कंटेंट चिल्लाने वाले लोग आज यूट्यूब पर कंटेंट देखकर काम चला रहे हैं, जिसके चलते यूट्यूब पर कंटेंट बनाने वाले लोगों को ट्रेंडिंग पे से ऐसे हटा दिया जाता है जैसे इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर ओडीआई सीरीज से बाहर कर दिया। क्योंकि भैया यूट्यूब को जाना जाता है अपनी लॉन्ग वीडियो और अपने ओरिजिनल कंटेंट को लेकर, लेकिन जब से यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स लाकर यूट्यूबरों के घर पे दरवाजे पे लात मार के घर पे अपने कब्जा हथिया है ना, जब से हमने हगना पीना मूतना सब छोड़ दिया। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। YouTube Shorts पर पेट्रोल सूंघकर नशे करने के अंजाम ये होते हैं। सही बात है भैया, पेट्रोल का नशा और दारू का नशा हमेशा नाले में ही गिराता है। दुनिया के दो सबसे खतरनाक नशे होते हैं, पहला पेट्रोल का नशा और दूसरा गांड में उंगली करने के बाद उस उंगली को सूंघकर नशा करने वाला नशा। रही बात YouTube से टक्कर लेने की, तो भैया YouTube Shorts का ट्रेंडिंग पेज अलग होना चाहिए, YouTube Shorts की कम्युनिटी अलग होनी चाहिए, YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस अलग होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बहन चोद अलग ऐप ही होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि दो चीजों का कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, आंट का लंड से YouTube का YouTube Shorts से। अरे ए मारो इसको, नहीं तो भगवान माफ नहीं करेगा। नहीं यार, YouTube की इस गलती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब से YouTube ने YouTube Shorts लाया ना, तब से लेकर आज तक प्रतिदिन 15 बिलियन व्यूज पर डे आता है इनकी वीडियोस पर। 15 बिलियन व्यूज, जो वर्ड मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा ना, वो वर्ड इनकी वीडियो पे रोज आता है, जो अब प्रेजेंट में 131% बढ़ के 15 बिलियन पहुंच चुका है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, वर्ल्ड की कुल पॉपुलेशन जिसमें मर्द औरत बच्चे बूढ़े बड़े गधे घोड़े सबको मिलाकर 7.9 बिलियन पीपल एग्जिस्ट इन दिस अर्थ। 2.1 बिलियन बंदे तो ऐसे हैं जिनकी किस्मत में फोन ही नहीं है, बगल में कैलकुलेशन चल रही है आप देखते रहो। अराउंड 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास नेट की कोई सुविधा ही नहीं है, तो बचते हैं क्या घंटा। और यूट्यूब पे प्रतिदिन 7 मिनट की ऊपर से वीडियो पर जो व्यूज आते हैं ना, वो 1 बिलियन है बस। अब भैया दोनों में इतना बड़ा अंतर होना ये तो जायज बात नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। देखो मुझे कोई यूट्यूब शॉर्ट से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इन दोनों की मेहनत में। अब जो बंदा 7 मिनट की वीडियो बनाकर 7 दिन की मेहनत को उसमें डाल के अपनी वीडियो पे इतनी सारी मेहनत करने के बाद वो अपनी वीडियो को ट्रेंडिंग पेज पे लाता है, फिर एक दूसरी वीडियो आती है 13 सेकंड की वीडियो बनाकर एक बंदा पोस्ट करता है और उसकी वीडियो ट्रेंडिंग पेज पर आ जाती है। अब जिस बंदे ने 7 मिनट देकर 7 दिन की मेहनत उसमें लगाई, उस बंदे का तो मोटिवेशन की मां चुद गई ना। मैं मानता हूं मेहनत दोनों में लगती है, 13 सेकंड वाली वीडियो में भी मेहनत लगती है, 7 मिनट वाली वीडियो में भी मेहनत लगती है, लेकिन 7 मिनट की वीडियो बनाने में ना गांड के घोड़े खुल जाते हैं और आपको 7 मिनट की वीडियो में कई सारे बेस्ट पार्ट डालने पड़ते हैं, तब जाके एक वीडियो कंप्लीट होती है। हर पार्ट को बेस्ट बनाया नहीं जा सकता, लेकिन 13 सेकंड की वीडियो में एक बेस्ट पार्ट ही होता है जो वीडियो ट्रेंड कर जाती है। अब एक साल पहले हमें लड़ना पड़ रहा था YouTube वर्सेस TikTok के पीछे, लेकिन अब वो लड़ाई हो चुकी है YouTube वर्सेस YouTube Shorts के पीछे। YouTube वर्सेस YouTube Shorts से लड़ने का मतलब पता है क्या है? अपने ही घर से लड़ाई करना घर के अंदर रहने के लिए। ये बहुत बड़ी लाइन है, समझो। एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन पहले आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये वीडियो ट्रेंडिंग पे थी। आइए मैं दिखाता हूँ आपको इससे क्या सीख मिलती है। ये वीडियो है, हाँ ये अगर वीडियो है ना, तो 4-5 किलो मूत का कुल्ला मेरे मुंह में कर दो, फिर उसके बाद दलदली टट्टी की बिरयानी मुझे सांड के दूध के साथ चाहिए, अगर मैं तब भी बच जाऊं तो मुझे घोड़ों के टट्टों का हलवा बना के खिला देना। क्या ज्ञान का समुद्र बह गया ऐसा बहन चू, जो हमने बहन चू 7 मिनट की वीडियो में निभाया। यूट्यूब शॉर्ट्स आओ कभी हवेली पर, कभी तुम अपना अलग ऐप लेके आओ, तब होगा कंपैरिजन यूट्यूब वर्सेस यूट्यूब का। और ये बफर चोदू 13 सेकंड 1 मिनट की वीडियो बनाकर बहन चू यूट्यूब ट्रेंड पे खेल रहे, यूट्यूब गंदी बात नहीं चलेगी, अब तो लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। हाँ मैं मानता हूँ इस बात को, एग्री करता हूँ
कि 16 सेकंड की वीडियो को देखने में लोगों को मजा आता है, सही में मजा आता है, मुझे खुद मजा आता है देखने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7 मिनट की वीडियो व्यर्थ है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यूट्यूब शॉर्ट्स का एक अलग ऐप होना चाहिए और हमारी लॉन्ग वीडियो का ऐप तो ये है तो है, वो तो रहना ही चाहिए। फिर हम आते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तब होगा ना कंपैरिजन। भैया मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती।